सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके साथ भी स्कैम हुआ है, अगर हाँ स्कैम हुआ है तो किस तरीके से स्कैम हुआ है, ताकि उस तरीके से जो है दूसरे लोगों के साथ स्कैम ना हो सके फ्यूचर में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, नीचे कमेंट करना है और बताना है किस तरीके से आपके साथ स्कैम हुआ है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्रीफ में जानते हैं आखिर स्कैमर कैसे स्कैम कर सकते हैं और स्कैमर से कैसे हम बच सकते हैं। ओके, सबसे पहले बता देते कि आपके साथ जो है स्कैम होते हैं तो किस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहले स्कैम चल रहा है वो होता है कि वीआईपी चैनल के नाम पर कई लोग आपसे जो है फीस वगैरह ले लेते हैं और आपको वीआईपी चैनल में ऐड नहीं करते। अगर ऐड भी करते हैं तो वो लोग आपको प्रॉफिट ही देंगे, ऐसा कुछ वो लोग नहीं लेते हैं। बस उनको एक वैलिडिटी से मतलब होता है कि आपने उनका 10 दिन के लिए चैनल ज्वाइन किया है तो 10 दिन के बाद वो आपको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप उनके चैनल में ऐड हुए तो प्रॉफिट करो या फिर ना करो, ठीक है। तो पहली बात हो गई थी वो वीआईपी चैनल वगैरह के नाम पर जो है आपसे जो है स्कैम कर सकते हैं। सेकंड थिंग काफ़ी ज़्यादा देखी गई है कि वो लोग कुछ लोग जो है सॉफ्टवेयर बग वगैरह ऐसी चीज़ें सेल करते हैं जिनके नाम पर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। करेंटली बहुत लोगों ने जो है 10-10 हज़ार के बग वगैरह खरीद के रख लिए हैं। वो लोग जो है खुद से सीखना नहीं चाहते, बस यही बग वगैरह खरीदने के चक्कर में जो है स्कैम करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई दूसरी बात कि बग के नाम पर और सॉफ्टवेयर के नाम पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। और थर्ड चीज़ आ रही है जो कि सबसे ज़्यादा स्कैम में नंबर वन पर चल रही है करेंटली, वो है इन्वेस्टमेंट। कई ऐसे चैनल होते हैं जो आपके साथ ऐसा जो है दावा करते हैं कि आप हमारे साथ 10,000 डिपॉजिट करो, विद इन 5 आवर्स जो है आपको 20,000 मिल जाएगा, 25,000 हो जाएगा। देखो यार, एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ऐसा हो सकता है तो वो बंदा टेलीग्राम पर आपके पास खोपड़ी क्यों पटक रहा होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, जो बंदा ऐसी जो है आप मान के चलो ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करता है जो ऐसा दावा करता है कि मात्र 5 घंटे में आपका पैसा डबल करके दे देंगे, इतना कर देंगे, तो ये सिंपली क्लियर इंडिकेशन है कि वो बंदा आपके साथ जो है स्कैम कर रहा है, 1% भी भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक और स्कैम जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है अकाउंट हैंडलिंग। काफ़ी लोग अकाउंट हैंडलिंग वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं और उनके साथ भी स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो अकाउंट हैंडलिंग से भी आपको बचना है, ठीक है। चलो मैं शुरुआत से बताता हूँ वीआईपी चैनल से कि आपको स्कैम वगैरह से बच कैसे सकते हैं आखिरकार, ठीक है। और अगर वीआईपी चैनल या फिर सर्विसेज में जो है और किस बंदे को पता करें कि कौन बंदा जेन्यून है, कौन जो है कौन आपके साथ स्कैम कर सकता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, बस देखते रहो पूरा वीडियो। अगर स्कैम से बचना है तो सबसे पहले जान लो कि जो है वीआईपी चैनल में आखिरकार अगर किसी के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो उससे जो है कैसे पता करोगे कि वो जेन्यून है या फिर फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। देखो, सबसे पहले उससे एक बार ये चीज़ पूछो कि क्या आप मुझे वनडे का फ्री ट्रायल दे सकते हैं, उससे ये चीज़ रिक्वेस्ट करो। अगर वो दे देता है तो काफ़ी अच्छी बात है, पहली बार में ही साबित हो जाता है कि वो बंदा हाँ मे बी आप जेन्यून है, क्योंकि ट्रायल वही बंदे देते हैं जो लोग जो है हाँ जेन्यून होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ लोगों के रूल हो सकते हैं कि वो लोग आपको ट्रायल ना दें एक दिन का, ठीक है। तो ये मे बी सारे लोग एग्री ना होंगे, सारे चैनल वाले नहीं एग्री हो सकते हैं, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर जेन्यूनिटी अगर किसी की देखनी है, ठीक है। सेकंड थिंग होता है कि आप उनसे जो है उनके वीआईपी मेंबर्स के जो है फीडबैक वगैरह देखो कि आखिर फीडबैक क्या है बंदों ने। अगर उनके अगर देखो उनका वीआईपी चैनल है तो मतलब उनके में मेंबर्स भी होंगे, अगर मेंबर्स ऐड हैं तो 100% अगर प्रॉफिट करेंगे लोग तो फीडबैक जरूर देते हैं। सो उनके चैनल पर फीडबैक चेक करो, अगर फीडबैक वहाँ पर नहीं मिलता है तो उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बोलो कि सर मुझे आपके वीआईपी मेंबर्स के फीडबैक्स देखते हैं। तो जैसे कि देखो, मैं अभी करेंटली अपने ही टेलीग्राम पर ओपन हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो मेंबर्स का फीडबैक रहता है, मैं देखो डायरेक्टली पब्लिक चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जितने भी फीडबैक्स होते हैं सारे के सारे अपलोड कर दिए जाते हैं, ताकि जो है मेंबर्स जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो सके और हमारी जो क्वालिटी है वो भी न्यू मेंबर्स को जो है पता चलती रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक जेन्यून मेंबर जेन्यून ट्रेडर की और जेन्यून चैनल होल्डर की, जो कि ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। और अगली चैनल अगला बात आती है कि आप उससे जो है एक्यूरेसी का पूछो कि भाई अगर मुझे वीआईपी चैनल ज्वाइन करना है तो एक्यूरेसी क्या है और कितने सिग्नल्स आप दे सकते हो वीआईपी चैनल में, ठीक है, और कितने दे रहे हो। ये सारी जो कॉमन बातें हैं ये जरूर पूछो उससे, ठीक है। और एक हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि उससे एटलीस्ट बोल दो कि भाई मुझे केवल 5 मिनट के लिए चैनल में ऐड कर दो, मुझे बस चैनल का इंटरफेस देखना है, एनवायरनमेंट देखना है। तो ये सारी चीज़ें उससे बोल दो, अगर वो दिखा देता है तो काफ़ी अच्छी बात है।
और नहीं दिखा रहा है तो मे भी हो सकता है कि स्कैम कर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आप वीआईपी चैनल में ऐड हो तो उसकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुल सकती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक कोई चैनल जो है जेन्यून है वो आपको 5 मिनट के लिए ऐड करने में उसका कोई नुकसान है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ठीक है। और चलो नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि जो लोग आपके साथ सॉफ्टवेयर और बग के नाम पर जो है आपसे जो है स्कैम कर रहे हैं उनसे कैसे बच सकते हैं और जेन्यून कौन है फ्रॉड कौन है ये कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है किसी से भी एक बात जान के चलो कि अगर किसी से भी सॉफ्टवेयर बग वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले उससे बोलो कि आप मुझसे 15 जो भी लेना चाहो 100-150 रुपये 500-1000 लेना है वो ले लो, ठीक है। लेकिन मुझे जो है बग से या फिर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो है उससे मुझे कुछ सिग्नल दे दो, पहले उस सिग्नल को ट्राई करो कि सच में आखिर प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। या पता लगे आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही खरीद लें उसके बाद पता लगे कि वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। और जो है वीडियो प्रूफ वगैरह भी उनसे मांगो कि सर मुझे क्या वीडियो प्रूफ वगैरह मिल सकता है, अगर जेन्युइन बंदा है तो वो बिल्कुल भी ना नहीं करने वाला है। हाँ भले हो सकता है टाइम की कमी होगी उसके पास, 1-2 दिन में आपको वीडियो प्रूफ वगैरह दिखा सकता है, लेकिन हाँ दिखाएगा जरूर, आई डोंट थिंक कि जो है कोई इससे मना कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब देखो एक नेक्स्ट जो स्कैम चल रहा है जिस टॉपिक पर वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर। देखो आजकल इतने लोग आलसी हो चुके हैं कि लोग जो है ना ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ना सिग्नल्स अच्छे फॉलो करना चाहते हैं, ना खुद ही सीखना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि बस डायरेक्टली पैसा किसी को दे दो वो बढ़ाकर आपको दे देगा। देखो अगर किसी को पैसा बढ़ाना आना होता ना वो जाकर के खुद का पैसा बढ़ा रहा होता, ना कि आपका जो है पैसा बढ़ा रहा होता, ठीक है। हाँ कुछ सर्विसेज हैं, कुछ चैनल हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। लेकिन जो है टेलीग्राम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर मान के चलो 90% लोग स्कैम करते हैं केवल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे बोलेंगे 10,000 रुपये दे दो, उसके बाद मैं आपको जो है 5 घंटे के अंदर 20,000-25,000 कर दे रहा हूँ। और वो लोग जो है फीडबैक आपको ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि हमने इतने लोगों का जो है मनी जो है इंक्रीज कर दिया विद इन 5 आवर्स, वो सारे जो है फीडबैक वगैरह इन्वेस्टमेंट के सारे डुप्लीकेट होते हैं, सारे फेक होते हैं। सो उनके चक्कर में मत फंस जाना वरना फिर मान के चलो आफत है आपके लिए, ठीक है। और आखिरी उसमें जो है पहली बात इन्वेस्टमेंट कभी करो ही ना, अगर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो उनसे जो है एक इंडियन मेंबर हो जो उनके साथ इन्वेस्टमेंट करो और उनसे जो है कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लो, क्योंकि देखो आप जो है अपना पैसा दे रहे हो तो एटलीस्ट वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर कर ही सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मांगो, ना दे तो समझ जाओ स्कैमर है, ठीक है। और उसको जो है पैसे उसके UPI वगैरह पे मत करो, उससे बोलो कि सर मुझे मैं आपके बैंक अकाउंट में भेजना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग उससे बात करो कि सर मुझे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पे करना है, तो IFSC कोड ब्रांच कोड वगैरह सारा लेकर के उसके बैंक अकाउंट में सेंड कर लो, ठीक है। और लास्ट थिंग आती है कि उससे जो है ये चीज़ ज़रूर पूछो कि जो है सर इसमें रिस्क कितना है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर रिस्क है तो वो मे भी अगर लॉस कर जाता है तो अगर वो जेन्युइन भी होगा लॉस कर जाता है तो मे भी वो आपको रिटर्न ना करे। सो ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर लो कि सर रिस्क कितना है मेरा, मनी कितना परसेंट सेफ रहेगा और कितने पर जो है रिस्क है, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो बचती है हमारे पास टॉपिक स्कैम के लिए वो है अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें भी आलसी लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग डायरेक्टली किसी ना किसी को जो है अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा अकाउंट मैनेज कर दो प्रॉफिट कर दो। ये सारी चीज़ें जो है स्कैमर्स को बढ़ावा दे रही हैं जिनसे आपको बच के रहना। देखो पहली बात मैं यही रेफर करूँगा कि कभी अकाउंट हैंडलिंग करो ही मत, अगर ट्रेडिंग करना है तो खुद सीख के करो वरना ट्रेडिंग बंद कर दो, ठीक है। मजदूरी कर लो एक टाइम को, ठीक है। देखो और अगर किसी के साथ अकाउंट मैनेजमेंट अगर कराना भी चाहते हो लग रहा है कि हाँ वो बंदा मे भी जेन्युइन हो सकता है तो उससे जो है एक मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए उसके ऊपर। ट्रस्ट बनाने के लिए जो है आपको उसकी हिस्ट्री देखना है, चैनल की हिस्ट्री देखो क्या कब से वो स्टार्ट किया है, कब से कितने बंदे उसके साथ जुड़े हुए हैं, फीडबैक वगैरह क्या आ रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें उसके एनालाइज करो। ये सब एनालाइज करने के बाद उससे एक और चीज़ पूछो कि सर इसमें रिस्क कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब आपने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दिया है और ट्रेडिंग में आपको भी पता है कि रिस्क भी रहता है लॉस करने का, ठीक है। अगर लॉस करते हो तो वो बंदा सामने से रिटर्न नहीं करेगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो उससे ये चीज़ भी आप क्लियर कर लें कि कितना परसेंट जो है इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, सो मे बी आपका कितना पैसा सेफ है कितना सेफ नहीं है, ठीक है। और उससे जो है कॉन्टैक्ट नंबर की भी जरूर डिमांड करो, कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करना पड़ेगा उसे, अगर हाँ जेन्युइन है तो 100% शेयर करेगा, बिकॉज जो है अकाउंट मैनेजमेंट दे रहे हो, कुछ लोग $1,000 $500 इस तरीके के अकाउंट मैनेजमेंट कराते हैं, सो उनसे जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जरूर लेकर रखो, ठीक है। और जो है उनके क्या कहते हैं कि चैनल के मेंबर वगैरह जो भी हैं उनका फीडबैक वगैरह जरूर चेक करते रहो। अब देखो जैसे मेरी बात मान लो, आप मान के चलो यहाँ नीचे देख सकते हो, अब मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर लिस्टेड है, मैं सारा ओपनली शेयर करता हूँ लोगों के साथ
का पैकेज जो है सबको कोई भी दिक्कत ना हो। लाइक मैं भी VIP चैनल सॉफ्टवेयर वगैरह और अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, बट एवरीथिंग इज नेकेड विद अस और कोई भी कुछ भी डिमांड करता है। इनफैक्ट VIP मेंबर्स भी हमारे साथ आते हैं जिनको लगता है कि सर मुझे 10 मिनट के ऐड कर लो, एक दिन के लिए ऐड कर लो, तो मैं लोगों को मना नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं 100% उन लोगों का ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं ही नहीं, यहाँ पर मेरे फीडबैक्स भी बोल रहे हैं, मेंबर्स के फीडबैक्स भी बोल रहे हैं, जो चीज़ें लोगों की हैं वो सारी शेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारे मेंबर्स के फीडबैक्स हैं जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख लिए, और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्कैमर से कैसे बचना है। हो सके तो पहले खुद ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग सीख जाओगे एक बार तो ज़िंदगी भर काम आएगा। अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह सिर्फ एक टाइम के लिए काम आता है, वो भी काफ़ी रिस्क के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट मार दो, और नीचे ज़रूर बताओ कि क्या आपके साथ भी कभी स्कैम हुआ था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यही टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। ओके, गुड बाय।